हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोमा। स्वागत है आप सभी का मेरी रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट खीर की रेसिपी। त्यौहार हो, शादी हो या घर में कोई भी शुभ काम हो, मीठे में जो सबसे पहला नंबर आता है वो होता है खीर। मैंने इसमें एक सीक्रेट टिप्स बताया है, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। चावल की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। आप अपने फैमिली मेंबर के अनुसार ही लें। यहाँ पर हमने 2 मुट्ठी चावल लिया है। 1 लीटर दूध में 2 मुट्ठी चावल डालें। आप चावल किसी भी प्रकार के ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बासमती चावल ही लेंगे। आप अपने घर में जो वो गाँव वाली चावल होती है ना, या फिर टूटी वाली चावल होती है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, 2 मुट्ठी ही लें। आधे लीटर दूध में 1 मुट्ठी और 1 लीटर दूध में 2 मुट्ठी, बस यही परफेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम चीनी। आपको मीठा जितना पसंद है उतना चीनी लें। मलाई यहाँ पे हमने आधा कप लिया है। मलाई से खीर बहुत ही टेस्टी बनता है, आप आगे देखिए, मैं वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पे हमने 2 चम्मच किशमिश लिया है। 7 से 8 काजू लिया है। इसे हम मलाई के साथ पीस करके डालेंगे खीर में। 4 हरी इलायची, इसे मैंने बारीक कूट लिया है। पिस्ता 1 छोटी चम्मच, यह गार्निश के लिए है, यह ऑप्शनल है। काजू इसे मैंने काट लिया है, यह खीर में हम डालेंगे। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और दूध को उबलने के लिए रख देंगे। दूध को हम हाई फ्लेम पे उबालेंगे। दूध उबल रहा है तब तक हम चावल को धो लेते हैं। यदि कि चावल में पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। चावल को आप अच्छी तरह से धो ताकि इसका जो भी गंदगी है वो निकल जाए। यह देखिए, चावल हमने धो लिया है। यहाँ पे दूध उबल रहा है, इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब हम इसमें खीर बनाएंगे तो दूध ज़्यादा जले नहीं। यह देखिए, दूध उबल गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो मैंने धो करके रखा हुआ था। चावल को आप ध्यान से ही डालें। अब इसको अच्छी तरह से मिला लें, नहीं तो चावल पेंदी में बैठ जाएगा या फिर इसका गांठ पड़ जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरह से कलछी से चलाते हुए मिलाएं। खीर को हम कलछी से चलाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहें, नहीं तो खीर जल जाएगा। यह देखिए, 10 मिनट हो गया है और यह चावल हमारा 90% तक कुक हो गया है। आइए अब हम इसे दिखाते हैं। यह देखिए, इसे हमें और सॉफ्ट करना है। अब हम इसमें काजू कटा हुआ डाल देंगे और किशमिश भी डाल देंगे। इन सब को डालने के बाद कलछी से अच्छी तरह से चला लें, बहुत ही अच्छे से मिलाएं, खीर चिपकने ना पाए पेंदी में। और आप मिलाते मिलाते ये जो किनारे पे लग जाता है ना दूध, उसे भी आप निकालते रहें। खीर उबल रहा है तब तक हम इसमें डालने के लिए पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे काजू और मलाई। यह पेस्ट डालने से खीर में जो मलाईदार और वो रबड़ी वाला जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत अच्छे से आता है। तो आप इसे ज़रूर डालें इसमें। यह देखिए, बहुत ही अच्छा पेस्ट बना है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो आप इसमें सिंपल मलाई भी डाल सकते हैं। इससे भी खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। इससे खीर बहुत ही टेस्टी बनता है, आप यकीन मानिए। खीर आपका पतला भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये प्रोसेस इस्तेमाल करके खीर को गाढ़ा कर सकते हैं। अब हम इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची डालने के बाद इन सबको अच्छी तरह से मिलाएं और इसे 5 मिनट के लिए और पकाएं। ध्यान रहे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। यह देखिए, 5 मिनट हो गया है, खीर बहुत ही गाढ़ा हो गया है।
ये देखिए आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए खीर बहुत टेस्टी दिख रहा है और बहुत गाढ़ी भी हो गया है। ये देखिए अगर आपके चावल अच्छे तरह से नहीं पके हो तो आप इसे कलछी से ऐसे दबाते हुए नीचे की तरफ से थोड़ा सा मैश कर ले, इससे खीर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप सबसे लास्ट में डालें, चीनी को आप पहले नहीं डालें। चीनी डालने के बाद इसे इसका फ्लेम हम लो कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। यह देखिए खीर हो गया। अब हम फ्लेम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और खीर को ठंडा करेंगे। यह देखिए खीर कितना टेस्टी दिख रहा है। देखिए खीर ठंडा हो गया है। यह देखिए खीर बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। आप इसे मेहमान को बुला के जरूर खिलाएं, आपकी बहुत ही वाहवाही होगी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।